केवल 100 रुपए की सेल लगा रखी है शूज की। ये लेडीज की आइटम है सारी, कुछ भी लो इसमें से 100 रुपए का आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो स्पोर्ट्स शूज में देखो किस तरह के भैया के पास शूज है, ठीक है, कोशिश करते हैं। ये देखो कितना अच्छा शूज है भैया, ये किस रेंज का है? 170 पड़ेगा भाई। आप कितना? 175 बताना। 175 रुपीज जूतियाँ आपको इस तरह की मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। भैया जी कहाँ से रेंज शुरू होती है इनकी? बच्चों के शूज़ हैं ये, बड़ों के भी हैं। भैया बच्चों के शूज़ कहाँ से रेंज शुरू होती है भाई? 250। क्योंकि यहाँ पर जो है, पहले यहाँ एक आगे चांदनी चौक की तरफ एक नहर बहती थी, तो उसमें बल्लियाँ चलती थी। अच्छा अच्छा, बल्लियाँ छोटी कश्ती को बोलते हैं। हाँ, तो वो चला करती थी, तो उस वजह से ये काफ़ी पुराना नाम है इसका, बल्ली मारान, जो आज तक वही नाम है इसका। अच्छा, ये इतिहास है कि भाई आपको यहाँ पर रेडी में भी ऐसे फुटवेयर मिल जाएंगे बेचते। भैया क्या रेंज है ये इनकी? ये किस प्राइस की है ये जूतियाँ? 250-350 मान लो ये है जो ये किस पर। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कोल्हापुरी जो चप्पलें होती है ना उस तरह के, देखो यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये सामने देखो ये ब्याह शादी में पहनते ना ये जूती, ये वो है नहीं शेरवानी के नीचे। ये किस प्राइस, किस कहाँ से रेंज शुरू होती है भाई? आपको यहाँ पे इस तरह के बूट मिल जाएंगे, लेडीज़ बूट है जो बड़े बड़े जो होते हैं। देखो जी क्या प्राइस पड़ेंगे? 140 रुपये की पड़ेगी भाई आपको ये, ठीक है। यहाँ ये 90 रुपये की आपको पड़ेगी। ये बैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये 1-2। अच्छा, ये 150 रुपये का शूज़ है ये, सर्दियों का तोहफा कहलाता है। सर्दियों का तोहफा 150 रुपये का। अच्छा भैया आप इसको फुली फ्लेक्सीबल कर सकते हैं, इसका अपर कहीं नहीं जाएगा, इसका सोल कहीं नहीं जाएगा, बहुत लाइट वेट आइटम होता है। अरे वाह, पता ही नहीं लगा ये लोकल में बहुत बड़ा ब्रांड है। क्या बात है, ये देख सकते हो। ये किस प्राइस का है? नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण मसीश्वर आज आ गया हूँ भाई चांदनी चौक बलिवालन। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये चांदनी चौक की बलिवालन मार्केट है, और यहाँ भाई जूतों का व्यापार होता है होलसेल में भी और रिटेल में भी। आप ये देख रहे हो ये रोड जाती है भाई सीधा लाल किला को, ठीक है। यहाँ से मैं आया हूँ पैदल, और ये पीछे जो है ये बलिवालन है। हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे भाई जूते किस किस प्राइस के हैं, क्या क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ बताऊंगा अपने इस वीडियो पे। आप वीडियो पे बने रहना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम अंदर चलते हैं बलिवालन मार्केट के अंदर। ये जूतों की मार्केट है आप देख सकते हैं, ठीक है, और पता करते हैं क्या क्या प्राइस है भाई शूज़ का। यहाँ रिटेल होलसेल दोनों में मिलता है, ठीक है। ये देखो इस तरफ स्लीपर लग रही हैं भाई, ठीक है, स्लीपर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, जूतियाँ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। इस तरह की लेडीज़ जूतियाँ भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, इस तरह की, ठीक है, लेडीज़ जूतियाँ आपको इस तरह की मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। भैया जी कहाँ से रेंज शुरू होती है इनकी? 250 से यहाँ रेंज शुरू हो जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप रिटेल होलसेल दोनों में करते हैं। अगर ये जो जूतियाँ हैं लेडीज़ किस प्राइस की होंगी पड़ेंगे? 250 के 250 के 250। अगर हम इसको बल्क में लें यानी होलसेल में लें तो क्या मिलेंगे? तो ये आपको पड़ेगी 185 के। होलसेल के लिए कितने पीस लेने पड़ेंगे? कम से कम 6 पीस, कम से कम आपको 6 पीस लेने पड़ेंगे, जब जाके आपको 180 की पड़ेगी। शॉप ये है देखो, ठीक है, ये बैठे हुए हैं भैया। यहाँ दिल्ली के अंदर ऑड इवन के आधार पे दुकानें खुल रही हैं भैया, एक शॉप खुली है तो एक बंद है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और ये सारा माल आपको 250 रुपये के पेट में, सब अलग अलग रेंज में। अच्छा, ये जो जूतियाँ ये किस रेंज की है? ये 350 की है। ये 350 की, और होलसेल में लें तो? होलसेल में लेंगे तो आपको 215 रुपये की पड़ेगी। कितने? 115 की? 215 की, 215 की पड़ेगी आप होलसेल में लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस मार्केट में। यहाँ आपको बच्चों के शूज़ भी मिल जाएंगे इस तरह के, ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों के शूज़ हैं, ये बड़ों के भी हैं। भैया बच्चों के शूज़ कहाँ से रेंज शुरू हो जाती है भाई? 250 से 200 से स्टार्ट हो जाती है। 200-250 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ये रिटेल की रेट बता रहे हैं आप? ये रिटेल की रेट है भैया, ठीक है। यहाँ पर आपको रिटेल और होलसेल दोनों में मिल जाएंगे। देखो छोटे छोटे बच्चों के कितने प्यारे शूज़ हैं भैया। ये किस प्राइस का पड़ेगा? 250। ये 250 रुपये पड़ेगा। अगर इसको हम होलसेल में लेना चाहें तो क्या प्राइस पड़ेगा? अच्छा, आगे मिलेगा भैया। ये रिटेल काउंटर है यहाँ पर, ठीक है। और भैया ये शूज़ की रेंज कहाँ से शुरू चालू होती है? 350 से स्टार्ट हो जाती है भैया रेंज यहाँ पर ये, ठीक है, और 500 तक जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आपको मिल जाएंगे 100 रुपये की सेल लगा रखी है भैया ने, केवल 100 रुपये की सेल लगा रखी है शूज़ की। ये लेडीज़ की आइटम है सारी, कुछ भी लो इसमें से 100 रुपये का आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है भैया से, भैया ने डायरेक्ट 100 रुपये की सेल लगा रखी है। लेडीज़ कलेक्शन है सारा आपको मैं दे, भैया कुछ भी लो 100 रुपये का, आप इसमें से कुछ भी लो 100 रुपये का आपको पड़ेगा। कोई बार्गेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम फिक्स प्राइस केवल 100 रुपये। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया मैं खड़ा हूँ बल्ली वाले, ठीक है, और यहाँ जैसे कि मैंने बताया आपको कि फुटवेयर की सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली की। भैया से पता करते हैं यहाँ की हिस्ट्री क्या है बल्ली वाले की। कैसे भैया? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा यहाँ पर क्या हिस्ट्री है जो कि इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हिस्ट्री मतलब किस चीज़ के रिगार्डिंग? यहाँ ये मार्केट का फेमस क्यों है, क्या इसकी खासियत है? इस मार्केट की जो स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आपको फुटवेयर के अंदर और सनग्लासेस वगैरह में, चश्मे की यहाँ पे आपको बहुत बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी है चश्मे की जी, बल्ली मारान। यहाँ पे होलसेल रिटेल आपको गॉगल्स फ्रेम्स स्पेक्स सब मिलेगा, और फुटवेयर के अंदर भी यहाँ पे आपको होलसेल रिटेल सब तरह की आपको शॉप्स मिलेंगी। हर तरह की वैरायटी आपको, लो से लो रेंज के हाई से हाई रेंज तक हर तरह की वैरायटी मिलेगी। व्यापारी बाहर से भी आती हैं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया का व्यापारी है। ठीक है भैया, और बल्लीवाल का इतिहास थोड़ा इस पे नज़र डालेंगे तो थोड़ा इतिहास तो मैं, क्यों बोला जाता है बल्ली मारान? जहाँ तक हमने अपने बड़ों से सुना है बल्ली मारान किस लिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले यहाँ एक आगे चांदनी चौक की तरफ एक नहर बहती थी, तो उसमें बल्लियाँ चलती थी। अच्छा अच्छा, बल्लियाँ छोटी कश्ती को बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ तो वो चला करती थी, तो उस वजह से ये काफ़ी पुराना नाम है इसका बल्ली मारान, जो आज तक वही नाम है इसका। अच्छा, ये इतिहास है कि यहाँ पर बल्ली मारान के पास में एक नदी हुआ करती थी, वहाँ पर कश्तियाँ थी बल्लियों की, तो इस कारण इस मार्केट का नाम बल्ली मारान। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। धन्यवाद भैया जी। ओके भैया। हाँ भाई, आपको यहाँ पर रेडी में भी ऐसे फुटवेयर मिल जाएंगे बेचते भैया? क्या रेंज है ये इनकी थोड़ा? अच्छा, ये जो चप्पलें हैं किस रेंज की पड़ेंगी? 100 रुपये 150 रुपये की रेंज की यहाँ आपको चप्पलें पड़ जाएंगी। क्या बात है। और ये जो शूज़ है ये 200 रुपये का? 200 रुपये का। और बच्चों के? 150 का 200 का 250 का। ऐसा कुछ बार्गेनिंग कर लेते हो या फाइनल प्राइस है? कुछ कम कर लेते हो या कुछ फाइनल प्राइस है भैया? फाइनल प्राइस है। देखो इस तरह भैया आप बेच रहे हैं यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। ये पूरी मार्केट शूज़ की है भैया, चारों तरफ आप देखोगे जूतियाँ, शूज़, बच्चों के शूज़ इस तरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो ये देखो लेडीज़ की इस तरह की जूतियाँ मिल जाएंगी। लेडीज़ किस किस प्राइस की हैं? 250 रुपये की है, 200 रुपये की, अलग अलग 250 200 इस तरह के प्राइस मिलेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, ये देखो इस तरह की जूतियाँ भैया, लेडीज़ की ना सारी? ये ऊपर वाली भी लेडीज़ की है? नहीं वो जेंट्स। ये किस प्राइस पड़ेंगे भैया? ये 450 का। 450, ये रिटेल रेट बता रहे ना? हाँ जी रिटेल में। ठीक है, और ये ऊपर जो चप्पलें हैं ये? वो 150 रुपये की। 150 रुपये की चप्पलें आपको पड़ जाएंगे भैया। वैसी जूतियाँ भी रखते हैं जैसे कोल्हापुरी जो है ना एक मूवी आई थी वैसी भी रखी है भैया ने। ठीक है, जैसे राजस्थानी जूती जो होती हैं ये भी रखी है भैया। ये किस किस प्राइस की हैं ये जूतियाँ? 250 350 350 मान लो। ये है जो, ये किस प्राइस की पड़ेगी वाली? ये 400 रुपये की। ये 400 रुपये लेदर है? हाँ जी लेदर है। लेदर में आएगी भाई 450 रुपये की जूतियाँ। ये सारी जेंट्स हैं लेडीज़ हैं? जेंट्स हैं। ये जेंट्स है भैया। ठीक है, ये देखो ऊपर कितनी खूबसूरत लगी हुई हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कोल्हापुरी जो चप्पलें होती है ना उस तरह की। देखो यहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सामने देखो आएगा, देखते हैं किस किस तरह की। ये देखो कितनी खूबसूरत आपको यहाँ चप्पलें मिल जाएंगी। इन भैया से रेट पता करते हैं किस किस रेट के हैं। ये देखो भैया ये किस किस प्राइस की पड़ेंगी? इसमें सर 350 से स्टार्टिंग है। ये 350 से स्टार्ट है? 1200 रुपये तक की है। 1200 रुपये तक की इस तरह की भाई क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, ये मेरे हाथ में पकड़ रखी है, ये किस प्राइस की है? ये 450 की है। ये 450 रुपये की है। ये आप रिटेल का प्राइस बता रहे हैं ना? हाँ जी। अगर मान लो कोई होल सेल में लेना चाहे तो वो आप कॉन्टेक्ट नंबर होता है। चलो ठीक है, मैं भैया दुकान किस नाम से रहेगी अपनी? यूनाइटेड शूज से रहेगी भैया। जैसे ये लेडीज़ की देखो कितनी खूबसूरत, ये ब्याह शादी में पहनते ना ये जूती, ये वो है नहीं शेरवानी के नीचे। ये किस प्राइस किस कहाँ से रेंज शुरू होती है? 400 रुपये से, मात्र 400 रुपये से स्टार्टिंग है भैया। देखो कितनी खूबसूरत है। 400 वाली कौन सी भैया बताएंगे? ये 400 रुपये की जूती है। ठीक है, और कहाँ तक रेंज जाती है इनकी? 800 रुपये तक जाती है रेंज।
चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। भाई आपको यहाँ पे इस तरह के भी बूट मिल जाएंगे, लेडीज़ बूट है जो बड़े बड़े जो होते हैं देखो, ठीक है। भैया किस किस रेंज के चालू रहते हैं बूट? 550 रुपये। ये जो आप इसको बोलते क्या हैं, इन बूट को बोलते क्या हैं? लॉन्ग शूज़। ये लॉन्ग शूज़ है भैया और 550 से शुरू हो जाते हैं। ये बड़े वाला 550 का है जो ये मैं, ये 550 का। और ये देखो होलसेल, अगर ये रिटेल में बेचते हैं तो आप कितने का बेचते हैं? 2200 रुपये। अच्छा भाई, ये रिटेल में मिलता है 2200 रुपये का, और अगर आप होलसेल में लेते हैं तो कितने बताया? 500 रुपये का। कितने शूज़ देने पड़ेंगे भैया जी? कम से कम 6 जोड़ी देनी पड़ेगी भैया आपको, ठीक है। भैया मैं आपको दिखाता हूँ, लेडीज़ बैली है यहाँ पर, लेडीज़ की बहुत सारी क्वालिटी हैं, ठीक है। ये देखो सैंडल स्लीपर ये सब कुछ मिलेगा। अच्छा ये बैली हैं जो देख रहे हैं भैया, ये किस किस प्राइस की पड़ेंगी बैलियाँ? होलसेल में सर। हाँ जी, क्या प्राइस पड़ेंगी? 140 रुपये की पड़ेगी भाई आपको ये, ठीक है। यहाँ पर केवल 140 रुपये की, ठीक है। और दिखाता हूँ ये ऊपर वाली जो है 120, ये केवल 120 रुपये की पड़ेगी आपको ये वाली, ठीक है, केवल 120 रुपये की, ठीक है। और देखते हैं ये ऊपर वाली, ये 90 रुपये की आपको पड़ेगी। ये बैली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये 1-2 है, 1-2 बोलते हैं ये भाई। 90 रुपये बताया ना आपने, ये केवल 90 रुपये की पड़ेगी भाई, क्या बात है। ये बल्ली वाले ना भाई, यहाँ पर आपको बहुत सस्ते प्राइस पे, सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है फुटवेयर में। और देखते हैं क्या भैया के पास। अच्छा भैया ये देखो शूज़, ये लेडीज़ शूज़ है ना जी, ये दिखाते हैं, ये देखो कितना खूबसूरत है, ठीक है। ये किस प्राइस का पड़ेगा? 265। ये 265 रुपये का, 265 का आपको ये शूज़ पड़ेगा। और देखते हैं ये चप्पलें भैया, ये 120 रुपये की पड़ेगी आपको, केवल 120 रुपये की। और ये वाली चप्पलें भैया 160 रुपये की पड़ेगी। और ये ऊपर वाली भैया 190 रुपये की पड़ेंगी भैया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्राइस भी बता रहा हूँ साथ में। ये वाली भैया 190, ठीक है जी। और ये ऊपर वाली भैया 140 रुपये की पड़ेंगी भैया, ये 175 है जो मैंने, 175। और बहुत सी चीज़ें हैं इधर भी, बैलियाँ हैं, ठीक है। आजाद टेलर्स के नाम से भैया की शॉप है बल्ली वालन पे, ठीक है भैया। शॉप नंबर क्या रहेगा अपना जी? शॉप नंबर 5228 रहेगा, आजाद टेलर के नाम से शॉप है भैया की। तो चलो ये होल सेल में डील करते हैं भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई मैं एक शॉप में आ गया, इनकी शॉप का नाम अबरन है, ठीक है। और यहाँ आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएंगी शूज़ की, ठीक है। ये देखें, देखते हैं क्या क्या क्वालिटी है भैया के पास। ये देखो स्पोर्ट्स शूज़ में देखो किस तरह के भैया के पास शूज़ हैं, ठीक है। और ये भैया होल सेल में डील करते हैं, मेरी बात हुई थी, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं इनके प्राइस पता करते हैं, कोशिश करते हैं। ये देखो कितना अच्छा शूज़ है भैया, ये किस रेंज का है? 170। ये 170 पड़ेगा भाई आपको होल सेल के अंदर, ठीक है, केवल 170 रुपये का ये पड़ेगा। और भैया ये जो सारे इसी रेंज के हैं जो यहाँ, ताकि अलग अलग रेंज के हैं। और ये वाला जैसे ये शूज़ जो है स्पोर्ट्स शूज, कितना? 175 बताना, 175 रुपीज़ का पड़ेगा आपको, क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। सॉल इस तरह की रहेगी इसकी। तो भैया रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है, कहाँ तक जाती है? यूजुअली हमारे पास 150 से स्टार्टिंग हो जाती है। 150 वाला कौन सा भैया जी? 150 रुपये में इस टाइप के आइटम आ जाते हैं। अच्छा, ये 150 रुपये का शूज है, सर्दियों का तोहफा कहलाता है ये। सर्दियों का तोहफा 150 रुपये का। अच्छा भैया ये 150 का लेके कितने तक का बिक जाता है? देखिए ये सेल वाली आइटम होती है, यूजुअली 250-300 की सेल में आइटम चलती है। हाँ, जैसी आपकी टारगेट ऑडियंस है आप उस रेंज का इसको बेच सकते हैं। 250 का बिक जाता है, और इस तरह के शूज भी हैं भैया के पास। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये किस रेंज का पड़ेगा भैया? 190 रुपये का, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ भैया, ये होलसेल की शॉप है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये जूतियाँ भैया, जूतों की रेंज कहाँ से शुरू होती है? लोफर में 160 मिनिमम होता है। 160, ज़्यादातर रेंज 170। अच्छा, 160 से शुरू है और 180 तक आपको मिलेगी। और स्पोर्ट्स शूज़ में भाई बहुत कुछ रखा हुआ है भैया ने, देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ। भैया स्पोर्ट्स शूज़ कहाँ से शुरू जाते हैं रेंज? स्पोर्ट्स में हमारे पास मिनिमम 165। 165 से शुरू हो जाता है, और कहाँ तक जाती है रेंज?
स्पोर्ट्स की रेंज हमारी 220 क्वालिटी के ऊपर डिपेंड क्वालिटी के ऊपर ज़ूमएक्स कुछ ज़ूमएक्स सोल वाली। अच्छा भैया ये जो शूज है इसको क्या बोलते हैं? ये सॉक्स टाइप शूज होते हैं। सॉक्स प्राइस दिखाने भैया आपको, मैं एक बार इसकी क्वालिटी दिखा दूं। आप इसको फुली फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, इसका अपर कहीं नहीं जाएगा, इसका सोल कहीं नहीं जाएगा, बहुत लाइट वेट आइटम होता है। आप एक बार हाथ में लेके देखिए। अरे वाह, पता ही नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से 70 ग्राम का भी नहीं होगा। बहुत लाइट वेट होता है ये, और सबसे बड़ी बात सोल फ्लेक्सिबल होता है बिल्कुल। इसका रनिंग शूज में काम आ सकता है, रनिंग में भी काम आएगा, जिम में भी काम आएगा, लोग डेली वेयर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कंफर्टेबल बहुत है, कंफर्टेबल। ये किस प्राइस का पड़ता है भैया? ये 210 का आता है हमारा, 210 रुपए का होलसेल में पड़ेगा, केवल 210 रुपए का, ठीक है। और भैया कितने का सेल हो जाता है ये आपके ऊपर है? अगर आप सेल में बेच रहे हो 300-350 का जाएगा, शॉप पे बेच रहे हो 500-550। अगर शॉप में अगर लेते हैं तो 500 रुपये पड़ता है, अगर सेल लगा रखे हो तो 350 तक का बिक जाएगा। और वाकई में लाजवाब चीज़ है यार, वजन का तो पता ही नहीं लग रहा है इस शूज़ में वजन है या नहीं है, क्या बात है। और भैया क्या बहुत है, भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। भैया का व्यवहार ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बातचीत करने का तरीका मोहित है, आपको आकर्षित करेगा इनकी बातचीत करने का तरीका। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। तो भैया ये देखो मैं एक गोदाम पे आ गया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। इनसे प्राइस पता करेंगे, क्या क्या रेंज है, क्या क्वालिटी है, सब कुछ बताएंगे। भैया कुछ दिखाओ शूज़ के अंदर। ये देखो भैया के हाथ में एक शूज़ है, ये आता है ब्रोक के अंदर। ब्रोक के अंदर जी, किस प्राइस का है ये? ये सर हम रिटेल करते हैं, ये रिटेल है 1000 रुपीज का, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। ये 1000 रुपए की क्वालिटी भी है। ये ऊपर जो आप देख रहे हो कॉर्पस लेदर है, कॉर्पस लेदर, नीचे टीपीआर है, और साइड में रेंडी लेदर है। ये आप देखोगे शूज में कंप्लेंट आती है, यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकलेगा नहीं शूज, निकलेगा नहीं, क्या बात है। ये 1000 रुपए में आपको रिटेल में, अगर होलसेल में लेना चाहे तो सर होलसेल में इसके प्राइस होंगे 820। और कितने पीस लेने पड़ेंगे कम से कम? कम से कम मिनिमम 4 पीस लेने पड़ेंगे। अगर आपको कार्टून बनाने तो 40 पीस, अगर ज्यादा लिया जाए, अगर 100 के पीस 50 तो फिर यानी कुछ रेट में कंसेशन होगा, हो जाएगा भैया, चलो ठीक है। ये देखो जेंट्स का एक और है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया? सर इसको ज्योति प्लस बेली कहते हैं, ज्योति प्लस बेली। ये इसकी लुक ऐसी दे रखी है, ये ज्योति लुक के अंदर भी, बेली के अंदर भी, शेरवानी पे भी चलेगा, शेरवानी में आपको कैजुअल यूज करना है, जींस वगैरह सूट पे सब पे चलेगा, सब पे। ये किस प्राइस पड़ेगा? ये सर 850 की रेंज में, 850 और ये वेलवेट लेदर है जी, ये इसी का डिजाइन है। हाँ, ये किस प्राइस का है? सेम रेट है सर। ये आप डिटेल का बता रहे हैं, होलसेल का बता रहे हैं? रिटेल सर, रिटेल का। होलसेल में यानी 100-150 रुपए, 200 रुपए कम हो जाएंगे। और एक इसका एक डिजाइन है, क्या बात, कितना सुंदर पीस है, आप देख सकते हैं यार। ये किस प्राइस का पड़ेगा? ये भी सर 850 सर, 850 का पड़ेगा। ये कलर अलग हो गया ना, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, डिफरेंट कलर हो गया। रेट सेम ही रहेगा इसका? जी सर सेम रहेगा। चलो और देखते हैं। और ये सर एक शूज आता सेमी फॉर्मल के अंदर, सेमी फॉर्मल, ये लेदर के अंदर नहीं? ये भी सर कॉर्पस लेदर है। हाँ, इसका रैंडल भी लेदर का है, ब्लू हिल्स में दिखा देता हूँ, ये लोकल में बहुत बड़ा ब्रांड है। क्या बात है, ये देख सकते हो। ये किस प्राइस का है? ये सर 1000 रुपए का मिलेगा, क्या बात है। और ये होलसेल में? होलसेल में वही सर 800 800 के आसपास पड़ेगा होलसेल के अंदर। ये अरमानी है, अरमानी जॉर्ज अरमानी, जॉर्ज अरमानी। ये देखो ये सारे जो है मैं आपको लेदर के शूज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वो नहीं है 200-400-500 वाले, ये क्वालिटी है, दम है शूज के अंदर और चमक है, दूर से पहनने पता लगता है रॉयल, बस रॉयल शूज है कुछ। और देखते हैं 200-400-500 वाली चीज हम रखते भी नहीं। हाँ जी, ये पक्का बुक की आपने जो कस्टमर होंगे अच्छे पहनने वाले उन्होंने ब्रांड सुन रखा होगा, पक्का बुक की। और ये नीचे आप सोल देख सकते हो, उसकी मजबूती का अंदाजा लगा लो, सोल देखते हैं कितना मजबूत होगा। ये टीपीआर सोल है पूरा, टीपीआर। ये किस प्राइस का पड़ेगा भैया जी? ये सर 1500 का होगा, 1500 रुपए, ये रिटेल का रेट है। ये एक अरमानी का हमारा फॉर्मल डिजाइन है, अरमानी का फॉर्मल। ये किस रेंज का है? ये सर 1000 रुपए का, वही रेट अगर होलसेल लोगे तो 800 के आसपास पड़ेगा। चार पीस कम से कम लेने पड़ेंगे, चार पीस लेने पड़ेंगे कम से कम। और ये आते हमारी एक बैली, बैली। ये किस प्राइस की पड़ेगी? ये 700 सर, ये 700 रुपए, 700 रुपए रिटेल प्राइस है। अगर होलसेल में हमसे डील कर रहेगा 520, 520 रुपए पड़ेगा। अगर वो क्वांटिटी में उठाएगा तो हम उसको कंसेशन भी और भी कम हो जाएंगे। भैया जी अपनी शॉप किस नाम से रहेगी? ब्यूटीफुल वेयर। अच्छा बलियावालन में, बलियावालन में, ठीक है। ये थी बलियावालन की जूता मार्केट। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर भी करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।